नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं बात करूंगा पंजाबी इंडस्ट्री से जुड़ी, जो कि है परमीश वर्मा के बारे में। जी हाँ, परमीश वर्मा आप सभी को पता है, एक डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, राइटर भी हैं, और कह सकते हैं स्टोरी प्ले भी करते हैं, स्क्रीन प्ले भी उनको काफी बेहतरीन तरीके से आता है, और सिंगर भी हैं। अब तो हरियाणवी पंजाबी लैंग्वेज में उन्होंने गाना, हरियाणवी में अभी अभी डेब्यू किया गाना, जो उनका गाना आया। और उसके बाद आपको अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि काफी सारे उनके और भी प्रोजेक्ट हैं जो कि हिंदी सिनेमा के लिए भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि काफी चर्चित है इन दिनों परमीश वर्मा, और उनकी लुक्स जो है वो सभी को पता है कि लड़कियों के दिलों की धड़कन है। और लड़के जो बियर्ड का तरीका है, जो कहते हैं ना कि दाढ़ी फॉलो करे परमीश दे स्टाइल नू, जो उनका गाना है, तो वो दाढ़ी की वजह से, अपनी बियर्ड की वजह से काफी ज्यादा चर्चे में है। और पंजाब में या नॉर्दर्न बेल्ट में लोग काफी ज्यादा उनके बियर्ड को फॉलो करते हैं, और उनकी जो फिजिक है वो भी हम सभी को पता है काफी ज्यादा बेहतरीन है। एक्टिंग में अपना जो है सिक्का जमा चुके हैं। उसके बाद आपने उनको डायरेक्शन उनकी देखी होगी, काफी सारी म्यूजिक वीडियोस, फिल्म्स को प्रमोट कर चुके हैं, डायरेक्ट कर चुके हैं, उसी के साथ साथ सिंगिंग भी आपने उनकी देखी है। लेकिन अब बात की जाए तो अब हम वूट यानी ओटीटी जैसी प्लेटफॉर्म पे परमीश वर्मा को कब देख सकते हैं? उन्होंने खुद बताया, आपको बता दें कि परमीश वर्मा ने कहा है कि उन्होंने वूट के लिए एक सीरीज की है, और वो सीरीज जो है आपको बता दें सिर्फ एक नॉर्मल मूवी या पिक्चर नहीं है, या वेब सीरीज नहीं है, वो एक पीरियोडिक वेब सीरीज या फिल्म होने वाली है, जो कि उन्होंने वूट जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए की है। उनका ये भी कहना है कि वूट के जो ये पूरी सीरीज थी, काफी ज्यादा इसको मजा आया करने का, क्योंकि एक पीरियोडिक फिल्म थी, एक टाइम पीरियड को दर्शाती है फिल्म। और ये उन्होंने भी कहा है कि मेरे को काफी ज्यादा करेक्टर है इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, क्योंकि पहले जो मेरी बियर्ड की लुक थी सबको मैं उसी अंदाज में पसंद था, और लेकिन मैंने इस फिल्म के लिए जो है अपनी बियर्ड को शेव किया और नए अवतार में मैं आया हूँ, तो मेरे को एक्सपेरिमेंट करके काफी ज्यादा मजा आया। और उन्होंने भी कहा कि ऐसी ऐसी चीजें जो है मैं करता रहता हूँ, और अगर मेरे को स्टोरी अच्छी लगी है, मेरे को करेक्टर अच्छा लगा, और मेरी टीम जो है अगर वो अच्छी है, तो मैं उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। अगर करेक्टर का सवाल आए तो बेहतरीन बिल्कुल वो लग रहे हैं, और इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना वो भी एक बड़ी बात होती है अगर आप करेक्टर अपना पूरा ही चेंज कर देते हैं। तो परमेश्वर मैंने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं बता सकता इस वेब सीरीज के बारे में, लेकिन आपको ये हिंट दे सकते हैं कि वेब सीरीज जो है वो एक पीरियोडिक फिल्म है, हिस्टोरिक एक पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 1984 या पहले भी जैसी फिल्में बनी है उस तरह की कोई फिल्म हो सकती है, या फिर हिंदी डेब्यू भी हो सकता है परमीश का। अब वो देखने वाली बात होगी, लेकिन परमीश ने कहा है कि काफी आपको मजा आएगा इस फिल्म को देख के, और अगर आप भी ओटीटी या वेब सीरीज के फैन हैं तो जरूर इस फिल्म को जरूर देखिएगा, या जो भी वेब सीरीज उनकी आ रही है। तो ये था कुछ परमीश वर्मा को लेके अपडेट्स, आपको जरूर अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर किए बिना बिल्कुल ना जाएं। धन्यवाद दोस्तों।